सामूहिक हत्याकांड हुआ, इसमें असली आरोपी कब तक पकड़े जाएंगे और आप लोग की मांग क्या है और पुलिस की जांच को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो प्रयागराज गोहरी में सामूहिक हत्या हुई थी उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा रोज नए नए बयान आ रहे हैं। कहीं इसके पहले कहे पवन सरोज ने हत्या किया है, उसके बाद शशि पटेल, जो आज का पेपर कटिंग है उसमें आया है कि शशि पटेल की फुटेज दिल्ली के हरियाणा में दिखाई दे रही है। तो पुलिस प्रशासन पर हमें बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया है, क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है असली आरोपी को बचाना चाहती है। इसलिए हम लोग आज 3 तारीख से धरने बैठे हैं सीबीआई जांच की मांग को लेकर। अच्छा, बहुत सारे सवाल ये भी आया, लड़के के ऊपर भी उठा कि उनका ऐसा कुछ था, पुलिस ने ही ये सारी चीज़ें बताया कि कोचिंग में मिलते थे, है जो अभी कल के न्यूज आई है। क्या इसमें सच्चता आई है, क्या परिवार था, ये घटना को आप किस तरह से देख रहे हैं, किन लोगों ने किया, आपका अंदाजा क्या? देखिए, जो घटना का असली आरोपी है पुलिस प्रशासन उसे लगातार बचाने का काम कर रही है, और अगर लड़की के ऊपर गलत तरीके से उठाया जा रहा है, कहीं उसको कहते हैं शशि पटेल कोचिंग जाता था तब हुआ, प्यार मोहब्बत का कुछ, हाँ। तो लड़की को लगातार बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। अगर ऐसा था तो पुलिस प्रशासन प्रमाण दे, हमको प्रमाण दे कि लड़की ऐसे लगातार चैटिंग करते थे, क्या करती थी। पुलिस के जांच से आप लोग को भरोसा रही? बिल्कुल नहीं, हमको बिल्कुल पुलिस पर विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए हम लोग सीबीआई जांच चाहते हैं। अगर सीबीआई जांच बैठा दे, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जो असली आरोपी है वो पकड़ा जाए, चाहे जो भी व्यक्ति हो। क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डन राजपासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन युवा एकता मंच। ये आप लोग जो एक फाफा में विगत 10 दिनों में इतनी बड़ी घटना घटी, एक ही परिवार के 4 लोगों को काट डाले, मार डाले, और आप लोग इसकी मांग कर रहे हैं, सीबीआई की मांग कर रहे हैं, और पुलिस भी इसमें जांच कर रही है, कुछ खुलासे भी किए हैं, कितना संतुष्ट है और आपकी मांग क्या? देखिए, हम ही नहीं, पूरा समाज जिसने देखा इस मामले को, पुलिस की जो कार्रवाई है उससे कोई भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो शुरुआती दौर में जो आरोपियों ने जो घटनाएं घटाई इतनी विभत्स तरीके से, जो पीड़ित परिवार, उन्होंने जब नामजद आरोपी को लिखित तौर पर दिया, जो कि उनका पहले से मामला चल रहा था 2019 में, उन्होंने ऊपर SC ST एक्ट का मुकदमा, इन लोगों ने काफ़ी प्रताड़ित होने के बाद, बहुत ही दौड़भाग के बाद SC ST वो गिरफ्तार हो गए हैं। फिलहाल ये जो खुलासे हो रहे हैं, जो जांच में खुलासे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शासन का दबाव है प्रशासन के ऊपर, और जितना मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि प्रशासन पूरे शासन के दबाव में कार्यवाही में लिपापोती करने पर आमादा है, क्योंकि सही जो असली पीड़ित परिवार, जो असली जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो कहीं ना कहीं वो बचाए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं बहुजन समाज काशी। जो सामूहिक 4 हत्याकांड हुए हैं उसको लेकर एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है, और पुलिस इसमें जांच में जुटी है, रोज नए नए तरीके से खुलासे कर रही है, तो पुलिस को जांच को लेकर कितना आप संतुष्ट हैं और आपकी मांग क्या है? सर, इस पुलिस की जांच को लेकर हम संतुष्ट नहीं हैं, और हम सीबीआई जांच चाहते हैं, और परिवार को न्याय मिले। जी, परिवार को न्याय मिले, हम यही चाहते हैं। क्या नाम है आपका? पुलिस के जांच से संतुष्ट हैं?